तो डर तो लगता है कहीं हमें एक दो पंचेज ना पड़ जाए। इंडियन फाइटर वर्सेस यूरिस्तान का फाइटर, फाइटर ने अपना झंडा लगा दिया। कुछ पंचाइए भैया कर दो, किक से पहले नीचे लेके आओ तो मैच इंटरेस्टिंग होते जाए। खत्म, बंदा टैप करेगा, टैप कर दो। फाइटर जो यहीं ऑडियंस में ही बैठे हुए थे, और फिर मैंने सोचा शिकर का एरिया में आया है तो जयकांत शिखर नहीं भाई, श्रीकांत शिखर है। श्रीकांत शिखर भाई खतरनाक लेवल है, श्रीकांत शिखर मेरा नाम लेके शिखर शिखर। कैमरा मैन जी अपना पानी पी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। नाइस श्रीकांत, ये फुल एनर्जी है। बंदा वो जो था बाहर का वो फुल्ली प्रिपेयर्ड था, श्रीकांत हार गया। मुझे लगा था वो ग्रुप खेल रहा है। भाई कहाँ है तेरा ध्यान, नहीं चलता इसका। हमने देखे एक फाइटर जो यहीं ऑडियंस में ही बैठे हुए थे, और फिर मैंने सोचा चलो जी मिल लेते हैं। को थोड़ा सा लगा डर मिलने में, ऐसा डर तो लगता है कहीं हमें एक दो पंचेज ना पड़ जाए। फिर मैंने सोचा डर के आगे जीत है, चलो भाई मिलने के लिए। काफी ज्यादा हम्बल वगैरह थे, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी बातें करी और फोटोज क्लिक करवा दी। पहले मैंने इनकी काफी सारी फाइट्स देख रखी। पवन मान, इनका बॉक्सिंग बैकग्राउंड है तो हम सिंह वाले पोज में फिर फोटो खींची। अरु दीदी की बड़ी स्पेशल फोटो आई है। ओहो अब हम भी चीयर करने लग गए। मूसा जी आ गए। ओहो अभी जैसी जैकेट निकालेंगे वैसी तो दिखेंगे इतनी भीड़ में। फाइटर अपना जैकेट निकालता है, फिर ये मुंह में कुछ डालता है और पानी पी लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं आईब्रोज में, अभी तक मेरे को समझ में ही नहीं आया। इतनी मूवीज देख ली मैंने तब भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये आईब्रोज में करते क्या है, और ये पानी पिए जा रहे है। पानी नेसेसरी है वैसे ही कम पीते है। के बाद ये अपने कोच साहब कह रहे तू ही फोड़ेगा, तू ही करेगा, तू ही अपना शेर, तू ही उखाड़ फेंकेगा दूसरे फाइटर को। मौका छोड़ना नहीं है हमें, जिंदगी में एक ही बार मिलता है ये मौका, ऐसे करके कुछ बोलते होंगे। मेरे को तो पता नहीं है, दूर से समझ में आता नहीं है। गैस वर्क कर रहा हूँ। गैस क्यों है अरु, क्या हो गया? मैं समझ नहीं हूँ क्या है। वेट कर रहे रिजल्ट के लिए कि कौन जीता, ब्लू या रेड। भगवान के भरोसे सब वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। रेफरी उठाएगा हाथ, जजेस कैलकुलेशन कर रहे किसने कितने ज्यादा पंचेस मारे। अनाउंस हो रहा है। अच्छा जी, अलग अलग जजेस के स्कोर। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए बातें करते हुए भारत में लाओ। ये हमारे हरीश भाई। हेलो, ये प्रवीण भाई हमारे। ये प्रवीण भाई, ये उनके ब्रदर है, और ये आकाश भाई के ब्रदर। हाँ जी बताइए, आप तो हमारे रेगुलर ब्लॉग देखते हो। बिल्कुल देखते सर, इनके ब्लॉग काफी अच्छे होते हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करो। ऐसे मिलेंगे बहुत जल्द। ये रह जाते हैं हर बार, इनका पेपर पिछली बार रह गए थे, लेकिन इस बार अक्टूबर में 100% कंफर्म है इनका मीटअप। टाइगर भाई टाइम पक्का है, 100% देखते हैं, जरूर मिलेंगे भाई। और मिस यू टाइगर भाई। टाइगर भाई नहीं आए। हाँ टाइगर भाई अगर देख रहे हो तो हम काफी मिस कर रहे हैं। बड़े में छोटे में गणपत का सबसे ज्यादा वेट। आज फाइट बची है, अपनी मेन इवेंट थी। मजा आया था यार, MF2 में टाइगर श्रॉफ भी आए थे, बहुत ही मजा आया था हमें। कृष्णा जी अगर आप देख रहे हो तो फोटो चाहिए आपके साथ, आपको मेरे साथ चाहिए। अब होगा इंडियन फाइटर वर्सेस यूरिस्तान का फाइट। हाँ जी आ गए यहाँ पे जेंटलमैन। भाई साहब यूरिस्तान वाले फाइटर ने अपना झंडा लगा दिया और दो बंदे लगा दिए झंडे के पास। उनमें से जो जीतेगा उन्हें मिलेगी वो वाली बेल्ट जो है हमारी, आपको मिलेगी, कमानी पड़ती है भाई। दो चार मुक्के पहले। अब अपने बाउंसर वाले भैया को भी इंटरेस्ट आ गया मैच के अंदर। मुझे पता चल गया कि हम शरीफ बालक करेंगे नहीं हरकत। क्या लगता है शिखर, पेट जारी हो जीतेगा? चांसेस हैं। लग रहा है ना फर्स्ट राउंड में डोमिनेट जो कर। सेकंड राउंड अपना शुरू हो गया। नहीं हो तो गया, दीदी जा रही है। ऑडियंस की आवाज वहाँ पे नहीं पहुँचती, डिज़्नी प्लस हॉटस्टार जहाँ पे स्ट्रीम हो रहा है, जो कमेंटेटर्स हैं उनकी आवाज हम तक नहीं पहुँचती। ओहो, सेठ नीचे बैठे हुए और किर्गिस्तान वाले फाइटर ऊपर। डोमिनेटिंग पोजीशन ऊपर वाली होती है। वो भाई साहब पलट दी पोजीशन। अब हमारे सेठ जी अभी भी नीचे है। वो देखो जी, वो कितना डेडिकेटेडली बंदा अपना मोबाइल चार्ज कर रहा है, शेयर भी कर रहा है। और यहाँ पे हमारे मोबाइल में भी चार्जिंग खत्म है, चार्जर नहीं है। नी लॉक दे दिया सेठ ने, नी लॉक खत्म। अब बंदा टैप करेगा, खत्म। टैप कर दो। अरे भाई साहब सेठ को पंचेज मार दिए। 10 सेकंड बचे लास्ट के। कमेंट्री यहाँ पे कोई नहीं कर रहा, हम ही कमेंट्री कर देते हैं।
खत्म 10 सेकेंड लास्ट राउंड बचा है अभी बस। अब चलो लास्ट राउंड में देखती हूँ अच्छे से। लास्ट राउंड मेरा पहला राउंड हो गया प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। ये देखो जी कैमरे की गर्दन नहीं ठक गई होगी, ये रही गर्दन उसकी, ये उसका हेड है, ये गर्दन। गर्मियां और शुरू हो गई है, तप भी गया होगा हमारा कैमरा। तो बस के 2 मिनट बचे हैं, बस 2 मिनट में अब चमत्कार होना चाहिए। खत्म मैच खत्म। कौन जीता? मिलेगी गोल्ड ट्रॉफी किस्तान को? किस्तान को राउंड 4 हो रहा है भाई साहब, राउंड 4 हो रहा है तो मैच इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। बंदा फुल लगा हुआ है, हवा करी जा रही है सेट के लिए। हो गए रिकवर, अब मजा आएगा। राउंड 4 फुल एनर्जी। ये सेट रजारियो किक को पड़ गई, सेट रजारियो जी को। अरे सर जी कहाँ जा रहे हो आप, यहाँ पे देखते हैं इस वाली स्क्रीन। हम 2 मिनट की कमेंट्री करते हैं। चलो जी, मैं कनिष गुप्ता एंकर नंबर 1 और ये हमारे साथ शिखर गुप्ता एंकर नंबर 2। मार रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं पूरी जी जान, जान लगा रहे हैं सोचते हुए। किरिस्तान ये थोड़े से लग रहे स्ट्रेटेजी कुछ ला रहे हैं, स्ट्रेटेजी चेंज करते हुए। स्ट्रेटेजी नहीं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कुछ कुछ चल रहा है किरिस्तान वाले के दिमाग में। लगता है टेक डाउन करना चाहते हैं। सिर्फ सीधे कहां मारी भाई, पहले मारी थी कमेंट्री थोड़ी लेट हुई। वाह 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 आदा भाई होता है, और ये मुक्का मारता हुआ भाई तो चल ही रही है। कम ऑन सेट, फाइट बैक करते हुए सेट नॉकडाउन करेगा। नॉकडाउन एक पंच, वन पंच है, वन पंच है बस। वन पंच मैन, लोग सब चीयर कर रहे हैं सेट। वन पंच नॉकडाउन, कम ऑन पंच चाहिए भैया, कर दो। हाँ किक से पहले नीचे लेके आओ, फिर पंचेस मारो, कर दो भैया जी। लास्ट 1 मिनट बचा है, 5 राउंड भाई साहब कैसे भर रहे हैं। राउंड 5 वो किक मारी थी अभी खतरनाक वाली। लास्ट 10 सेकेंड्स आ जाओ, कर दो भाई। रेस्ट करिए, आधी जनता भाग चुकी है। क्या कर रहे हैं बताने? सेठ रजारियो को चीयर कर रहे हैं। सेठ भैया ने काफी ज्यादा पंचेस खा लिए है, फेस रेड हो चुका है। शिखर किर्गिस्तान वाला बंदा जीत गया। चलो फिर यहीं पे हम अपना ब्लॉग को खत्म कर देते और फिर गुड नाइट।